रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। लाहौरिये जाग तो गए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अभी तक सो रहे हों, क्योंकि आज जो है वो हफ्ते का रोज है, बहुत सारे लोगों को छुट्टी है। आप हैरान तो हो रहे होंगे कि आज जागो लाहौर पे एक बिल्कुल नया चेहरा, बिल्कुल अजनबी सा चेहरा, बिल्कुल शनासाई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि मुझे सिदरा मुनीर कहते हैं, अरमला हसन ये प्रोग्राम आपके लिए बड़े अच्छे अंदाज में पेश करती हैं, लेकिन कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर वो आइंदा आने वाले चंद रोज तक आपके साथ नहीं होंगी। तो उनकी जगह पर मैं कोशिश करूंगी कि उनकी कमी को बेहतर अंदाज में पूरा कर सकूं। लाहौरियों की सुबह हुई है या नहीं हुई, लेकिन हम लोग पहुंच चुके हैं आपको जगाने के लिए। तो इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, और हमारी हमेशा से यही दुआ रहती है, आप जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहिए। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे, और प्रोग्राम के आगाज में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। तो इसलिए खुद खुश रहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आसपास बसने वालों का, अपने चाहने वालों का भी ज़रूर ख्याल रखिए। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, वो आपके दफ्तर में लोग वो मौजूद हो सकते हैं जो कि आपके आसपास बसते हैं और हमेशा आपको दुआओं में, आपकी भलाइयों के लिए दुआगो रहते हैं। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से होगा, बहुत सारी मालूमात होगी, बहुत सारी बातें होंगी, और उसके साथ साथ मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में आपको अपनी खुराक का किस तरह से ख्याल रखना है वो भी होगा। तालीमी पॉलिसी चेंज होने की बहुत आजकल चहमगोइयां हो रही हैं, तालीमी पॉलिसी क्या चेंज होने जा रही है, पॉलिसी क्या होगी, उसमें क्या क्या बेहतरी आने वाली है और बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम किए जाएंगे, वो तमाम बातें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं, रिसर्च आपको बताते हैं, और रिसर्च है जी तालिबा और तालिबात हैं चीन के, जो कि हमारा बड़ा अच्छा दोस्त हमसाया मुल्क भी है। तो मैं आपको बताऊं कि चीनी तालिबा और तालिबात ने एक ऐसे ड्रोन का तस्वीर पेश किया है जो कि एक मजबूत जाल उठाए जलती इमारतों में लोगों को तलाश करेंगे। ये ड्रोन चारों कोनों से जाल को थामे और फैलाए रखेंगे और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इस पर कूद सकेंगे। समंदरी लाइफ गार्ड की तरह इस डिज़ाइन को नेट ड्रोन का नाम दिया गया है जी। आप ये देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी कि इस नेट में और ड्रोन में इतनी सख्त होगी कि एक आदमी का वजन ये आसानी उठा सकता है। कहीं पे भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है तो वहाँ पर ये ड्रोन फैलाया जाएगा और ये ड्रोन बड़े बेहतरीन अंदाज में लोगों को सेव करेगा, लोगों की जिंदगियां बचाएगा। खैर बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जब आग वगैरह लगती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बन जाती हैं, लेकिन जब कोई इस तरह की नागहानी आफत आती है तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदते तो हैं, लेकिन वो जांबर नहीं हो सकते। तो ये बड़ा एक अच्छा आइडिया है और हमारे हमसाये मुल्क, दोस्त मुल्क ने दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि ये तलबा और तालिबात जो हैं वो इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये आइडिया शोबा बरकी इंजीनियरिंग के 6 तालिब इल्मों ने खुद डिज़ाइन किया है, जिस पर उन्हें बेहतरीन डिज़ाइन का अवार्ड भी मिला है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उनको अप्रिसिएशन भी मिल गई है कि वो आने वाले वक्त में इससे भी मज़ीद बेहतर अंदाज में कोई एक और अच्छी ईजाद लाएंगे, और ये यकीनी तौर पर बड़ा कामयाब होने वाला है, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और ये देख चुके आप, अगली रिसर्च के जानब बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, अगली रिसर्च भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मज़े की रिसर्च है। आपको बताते चलें कि तस्वीरें बनाना जो है वो भी एक आर्ट है, फोटोग्राफी जो है वो बहुत बड़ा आर्ट है कि आप किस तरह से किसी आम से चेहरे को बड़ा खूबसूरत अंदाज में दिखाते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने फोटोग्राफर्स को देखा होगा, तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन जो ये रिसर्च है बहुत मुनफरिद है और बहुत ही अलग है। ये माहिर तस्वीरें खींचने के लिए मुख्तलिफ तरीका कार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक मारूफ तरीका ग्लास या किसी शीशे के पार से तस्वीरें खींचने का भी है। लेकिन आपने ये तरीका पहली बार देखा होगा जिसमें अंगूठी पर अक्सी तस्वीर खींची जा रही है जी। इस बार वो सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों की तस्वीर खींच रहे हैं, नाम है इनका जी एडम्स, लेकिन अनकरीब जो है वो नए आइडिया ज़रूर पेश करेंगे। उनका ये कहना है कि वो तस्वीर खींचने से पहले अंगूठी को फोकस करते हैं और उसके बाद जोड़े को इस अंदाज में खड़ा करते हैं कि वो जोड़े का जो अक्स है वो अंगूठी पे नज़र आता है। खैर तस्वीर भी बड़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, और बड़े मुनफरिद अंदाज में, और उसके बाद जो है वो आप इस
तस्वीर को जब फ्रेम करवा के घर में लगी हुई हो तो एक बार देखने वाला हैरान ज़रूर हो जाएगा और पूछेगा भी ज़रूर कि ये तस्वीर आखिर किस तरह से बनी है। दूसरी रिसर्च हमने आपके साथ शेयर कर ली है और एक जो अहम रिसर्च आज आपसे शेयर करने वाले हैं वो मेरी ज़िंदगी पर और इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। हम लोग अक्सर वर्जिश करते हैं लेकिन वर्जिश करने के बाद एक दिन करते हैं, दो दिन करते हैं, तीन दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन जो एक दो और तीन दिन की वर्जिश है ना वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होती है। तो ये कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। वर्जिश के फ़ायदे हर कोई जानता है लेकिन वर्जिश के बारे में एक खबर ये भी आई है कि सिर्फ एक दफ़ा की वर्जिश भी अगले चंद रोज़ तक जिस्म पर बहुत मुस्बत असरात मुरतब करती है। एक दिन की वर्जिश से अगले दो दिन तक खून में ग्लूकोज की सतह बरकरार रहती है, जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल अच्छा होता है और दिमागी सर्किट भी सरगर्म हो जाता है, यानी आपका दिमाग जो है वो अच्छा सोचना शुरू करता है, जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ अगर वर्जिश करने वाले डायबिटीज के मरीज हैं तो एक मर्तबा की वर्जिश भी उन पर अच्छे असरात मुरतब कर सकती है। दलास में इसके लिए चूहों पर तहकीक की गई है जी, और एक मर्तबा की वर्जिश से उनके दिमाग में दो इकसाम के न्यूरॉन्स का जायजा लिया गया है। उन्होंने चूहों को एक ही रोज तीन मर्तबा मुसलसल 20 मिनट तक दौड़ाया, उसके बाद मालूम हुआ कि उससे भूख बढ़ाने वाले न्यूरॉन कम हुए हैं। हालांकि हम लोग देखते हैं कि जब जिस्म ज़्यादा मुशक्कत करता है तो कहा जाता है कि भूख लगती है, लेकिन देखें जी ये तो बड़ा अच्छा है कि आप ज़्यादा मुशक्कत भी करेंगे, वर्जिश भी करेंगे, लेकिन भूख लगाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे। इसका असरात जो है वो दो रोज़ तक आपकी बॉडी में बरकरार रहेंगे। इसी तरह नोट किया गया है कि अगर ज़्यादा देर वर्जिश की जाए तो उसके असरात उतने ही रोज़ तक जारी रहते हैं। दूसरी जानिब चूहों की भूख में कमी हुई और उनके खून में शक्कर की मिकदार भी कम देखी गई। ये हैरत अंगेज़ असरात दो दिन तक बरकरार रहे जो वर्जिश करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी जो कि कभी कभी वर्जिश करते हैं, लेकिन कम से कम ये एक बड़ी अच्छी सी पॉजिटिव बात है कि चले दो दिन तक जो है वो एक दिन वर्जिश करें उसके दो दिन तक असरात रहें। कभी कभी वक्त हो जाता है ऐसा भी क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, इतनी जल्दी जल्दी ज़िंदगी में चीज़ें तब्दील होती हैं कि कभी वर्जिश करने का मौका मिलता है कभी नहीं मिलता, तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बहुत सारे लोग हमने कहते सुना है कि एक दिन वर्जिश करने से कुछ नहीं होता, दो दिन करने से कुछ नहीं होता, अगर आपने कुछ पाना है तो फिर मुसलसल जो है वो आपको वर्जिश करते रहना होगा। ये आम बातें हैं जो हम हर रोज़ सुनते हैं लेकिन मैं आज के रिसर्च के बाद जो है वो ऑब्वियसली मेरा भी कुछ माइंडसेट चेंज हुआ है और आपका माइंडसेट भी ज़रूर चेंज हो गया होगा कि अगर आपको एक दिन मौका मिलता है वर्जिश करने का, एक दिन आपके पास टाइम निकलता है तो उसको ज़रूर अवेल कीजिए, क्योंकि आज हफ्ते का रोज़ भी है, कल इतवार होगा, तो बहुत सारे लोग अभी तक सोए होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी उठ के ट्यून इन किया है। तो आपको बता दूँ अगर आज आपकी वर्जिश रह गई है तो कोई बात नहीं, आपने कल सुबह उठ के वर्जिश ज़रूर कर दी है ताकि आने वाले दो रोज़ तक आपके ऊपर जो है वो बहुत मस्बत जो है वो उसके असरात हो सके। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक पे वापस आएंगे और उसके साथ साथ बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे।